गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनलेस यू आर न्यू देन वेलकम। सो एज यू ऑल नो कि प्रीलिम्स को लास्ट 61 डेज ही बचे हैं और हमारी प्रिपरेशन तो 2x स्पीड में चली रही है, जिसका छोटा सा एग्जांपल हमें पिछली वीडियो में देखने को मिला। बाकी उस 5 डे चैलेंज का मैंने फर्स्ट डे तो अपलोड कर दिया था, बट देयर वर सम रीजंस जिनकी वजह से मैं बाकी 4 डेज को अपलोड नहीं कर पाया। एंड फॉर द रिकॉर्ड्स, उस 5 डे चैलेंज का 5th डे बहुत हेक्टिक हो गया था क्योंकि टॉपिक्स ज्यादा थे कवर करने के लिए और टाइम कम, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझे आधी रात तक उठ के अपना 5 डे चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ा। वैसे इस प्रीलिम्स की रेस में ऐसे चाहे कितने भी चैलेंजेस या हर्डल आ जाएं, हम रुकने वाले तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने खुद से वादा जो किया था कि एंड तक इतनी मेहनत करेंगे कि चाहे रिजल्ट कैसा भी आए, बस खुद को सुकून रहेगा कि तूने मेहनत बहुत की थी भाई। और उसी मेहनत को कंटिन्यू रखते हुए मैंने अपने आज का रूटीन सुबह 7 बजे से स्टार्ट भी कर दिया है। सो देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। सो गाइज, यहाँ मैं क्वांट कंप्लीट कर चुका हूँ। कंप्लीट तो नहीं कहूँगा, ये अभी थोड़ा सा सेशन लगाया था और इतने में मुझे याद आया, अरे तूने तो आज सोचा था कि आज तू व्लॉग बनाएगा, तो क्या करूँ यार। मतलब प्रीलिम्स की वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब जब ब्रश करने का टाइम होता है तब मैं सो रहा होता हूँ, जब सोने का टाइम होता है तब मैं खा रहा होता हूँ, जब खाने का टाइम होता है तब मैं पढ़ रहा होता हूँ। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ। तो ये क्वांट का सेशन में लगा रहा हूँ अभी और टाइम हो रहा है 8:20 हो रहे हैं सुबह के, तो आप देख सकते हैं मौसम अच्छा हो रहा है बाहर दिल्ली में। कल बारिश हुई थी एंड उससे इतना अच्छा मौसम हो चुका है अब, ठंडा ठंडा सा, तो अब पढ़ने में अलग ही मज़ा आएगा। आगे दिन की शुरुआत करने से पहले, क्वांट तो मेरी थोड़ी कर ली है मैंने, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले बनाऊँ अब टू डू, तो टू डू बनाता हूँ सबसे पहले और फिर आपसे मिलता हूँ। बाय। सो गाइज, ये हो चुकी है आज की टू डू डन, और इसके अंदर मैंने सबसे पहले लगाया इन्वायरमेंट की PET 365, जिसके मैं 20 पेजेस आज कवर करने वाला हूँ। एंड देन है ज्योग्राफी की मैंने NCERTs लगाई हैं सारी की सारी, तो 20 पेजेस पर डे मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। एंड मॉक तो लगाना ही लगाना है, और अब मैं सोच रहा हूँ अब से मैं स्टार्ट कर दूँ अपना फुल लेंथ टेस्ट, तो अब ये स्टार्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद पॉलिटी की रिविजन मारनी है मुझे, और ये थोड़ा एडिशनल हो गया मेरे लिए, अगर टाइम मिलेगा आज मुझे तो मैं एंशियंट की भी रिवीजन मारनी स्टार्ट कर दूंगा। तो ये है आज की टू डू, तो करते हैं इसको स्टार्ट और मिलता हूँ आपसे अपने फर्स्ट लॉट में। सो गाइज, वन क्विक अपडेट, बाहर हो रहा है मौसम बहुत अच्छा, आपको पता नहीं दिखेगा या नहीं, मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, हल्की हल्की बारिश हो रही है और रूम में फ्रेश एयर आ रही है, एकदम इतना वेंटिलेटेड फील हो रहा है ना, एकदम फ्रेश वाला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस टाइम मेरी चल रही है क्वांट एंड टाइम अभी भी हो रहा है, कितना हो रहा है 10:30, तो अप्रोक्स इतना ही हो रहा है। तो ये चल रही है मेरी क्वांट और बाहर चल रहा है बारिश का मौसम अच्छा वाला, तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं, बस मुझे यही अपडेट देनी थी, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। बाय। हेलो इधरा, तो यहाँ पर हो चुका है हमारा क्वांट कंप्लीट एंड अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो 11:30 हो चुके हैं, ये स्लॉट होता है कंप्लीट क्वांट का, और अब लगाते हैं अपना दूसरा स्लॉट, मिलता हूँ अपने दूसरे स्लॉट में। बाय। सो गाइज, अब लगाते हैं ज्योग्राफी, एंड ज्योग्राफी में मैं लगा रहा हूँ NCERT। बाकी आपने टू डू देख ली होगी कि हमें कैसे इसको कम्प्लीट करना है कैसे नहीं, तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे इस स्लॉट के बाद। बाय। गाइज, यहाँ पर मेरा ज्योग्राफी का सेशन चल ही रहा है एंड इसकी स्लीप साइकिल भी चल ही रही है इस टाइम तो ये है, एंड अभी आपको टाइम दिखाता हूँ। सो टाइम हो रहा है 1:15 है, तो इस 15 मिनट को यूटिलाइज करते हैं लंच के लिए मतलब कि यार सच बताऊँ, मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है एंड अब लंच का टाइम भी हो चुका है, ब्रेकफास्ट तुम्हें पता है मैंने बस 2 केले खाए थे, तो अब लंच करने जाते हैं जल्दी से एंड लंच के बाद मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। बाय। सो गाइस, बुरी खबर, घर पे गया मैं, घर पे कुछ खाने को था ही नहीं माँ ने बोला अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा लंच के लिए, लंच बन रहा है अभी, तो अब वेट करते हैं, लेकिन वेट से अच्छा मैंने सोचा इतने फ्रूट्स ही खा लेता हूँ, थोड़ा पेट को शांति मिलेगी। और इसके साथ ही अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जब तक लंच नहीं बनता है तो
तो सेशन करते हैं अपना ऑन और फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइज, अब वापस आ चुके अपने अपने स्टडी टेबल पर एंड अब लगाते हैं वापस से ज्योग्राफी, कंटिन्यू करते हैं इसको और अब इसको स्लॉट को ख़त्म करने के बाद ही डायरेक्ट मैं आपसे मिलूँगा, ठीक है? तो बाय। नाउ गाइज, अब ये होता है कंप्लीट ज्योग्राफी का और अब देखते हैं फटाफट से अपनी टू डू। लेकिन टू डू से पहले आपको टाइम दिखा देता हूँ क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हो रहे हैं 3:30 करीब कुछ, तो ये होता है हमारा कंप्लीट ज्योग्राफी एंड अब स्टार्ट करते हैं टू डू को देखना। ज्योग्राफी में ये होता है स्लॉट कंप्लीट एंड अब लगाते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट लगाऊं या पॉलिटी लगाऊं? चलो अब लगाते हैं एनवायरनमेंट, तो इसको लगाते हैं और मिलता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 तो पॉलिटी लगाते हैं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। सो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड पॉलिटी में मैंने आपको टू डू के अंदर स्पेसिफिकली बताया नहीं था एलोबरेट करके कि मैं कौन कौन से चैप्टर्स काउंटर करने वाला हूँ। सो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा इस साइड कि मैं कौन कौन से चैप्टर्स काउंटर किए हैं मैंने। तो इसको करते हैं स्टार्ट और मैं मिलता हूँ आपसे इसी सेशन के अंदर। बाय। तो यहाँ मेरी पॉलिटी होती है ख़त्म एंड मैंने पॉलिटी के अंदर ये चैप्टर्स थे तो इनको बस जस्ट रिवाइज़ करना था। तो इसमें वैसे कुछ ज़्यादा खास था नहीं क्योंकि मुझे रिवीजन ही माननी थी, लेकिन खास ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत कुछ आता है। बिकॉज एज यू ऑल नो गाइस कि प्रीलिम्स के अंदर पंचायती राज मतलब पर्टिकुलरली ऐसे कुछ रेफरेंस दे रखी है और ये शायद इधर लिखी होगी, आपको दिखाता हूँ मैं। पॉलिटी ये रहा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ऐसे करके इसके अंदर पहले से ही मेंशन कर रखा है प्रीलिम्स के सिलेबस में, तो ये थोड़े से इसके बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसको मैंने कंप्लीट किया है अच्छे से एंड अब टू डू देखते हैं, फिर उसके बाद छोटा सा एक मिनी ब्रेक लेंगे और फिर इसके बाद अपना स्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, पॉलिटी हो चुकी है हमारी डन एंड अब बचा है हमारा इन्वायरमेंट, मॉक और एंशिएंट की रिवीजन, जिसमें अगले सेशन में मैं लगाऊंगा मॉक, क्योंकि जैसे जैसे रात होती जाएगी मुझे पता है मेरी प्रोडक्टिविटी जवाब देने लग जाएगी, तो अच्छा है इससे पहले कि प्रोडक्टिविटी जवाब दे इससे बढ़िया मैं मॉक लगा लूं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर उसके बाद मॉक लगाते हैं अपना, लेकिन पहले ही बता रहा हूँ मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाऊँगा, आपको सीधा मैं मिलूँगा इन्वायरमेंट के सेशन में क्योंकि इसमें कम से कम डिस्ट्रैक्शन चाहता हूँ मैं। सो गाइस, यहाँ पर मॉक होता है ख़त्म हमारा फुल लेंथ, जो कि कहने को बस फुल लेंथ था, भर भर के क्वेश्चन दे रखे थे यार पॉलिटी के, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो मैंने कितने कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। पॉलिटी के साथ मेरा इतना दूर दूर का नाता रहता है ना, मैं क्या करूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं इस पर मेहनत करूँगा और करूँगा, जब तक पॉलिटी मेरी सुधरेगी नहीं मैं भी हार नहीं मानने वाला हूँ। तो इसको करता हूँ साइड में एंड अब हो रहा है डिनर का टाइम, आपको टाइम दिखाता हूँ। सो 8:30 होने वाले हैं अप्रोक्स, तो अब हो रहा है डिनर का टाइम, मैं खाना खाने जाता हूँ और फिर आके अपना जो एनवायरनमेंट का PT365 है उसको फिर लगाएंगे। सो गाइज, डिनर हो चुका है डन एंड अभी टाइम आप देख सकते हैं 9:30 हो रहे हैं, तो अब इसको इन्वायरमेंट को लगाते हैं एंड इसकी टू डू में आपने देख रखा है इसके 20 पेजेस ही करने हैं आज के लिए, तो इसको लगाते हैं एंड मैं मिलता हूँ आपसे इसी स्लॉट के अंदर। बाय। सो गाइज, यहाँ पर ना बैक पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था इस इन्वायरमेंट के स्लॉट के बीच में कि मुझे वॉक करनी पड़ी। वैसे ठीक है, अपनी बॉडी पर भी ध्यान देना चाहिए, मुझे बहुत टाइम हो चुका है ऐसे एक्सरसाइजेस किए हुए, कभी कभी प्लान बनाता हूँ कि हाँ आपसे एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा अपने रूटीन में डालूँगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, कभी दिमाग से निकल जाती है, पता नहीं क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वॉक की एंड वॉक इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे खुद नहीं पता चला टाइम का एंड फिर उसके बाद मैं वापस गया अपने घर पर अपनी इन्वायरमेंट का सेशन कंप्लीट करने। और ये जो लास्ट इन्वायरमेंट का सेशन था ये मेरा रात के 12:30 तक चला, वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रात के 12:30 बज रहे हैं 1 बज रहा है क्योंकि आजकल इतना टाइम हो ही जाता है रिवीजन करते करते। तो गाइस, अब मेरी इन्वायरमेंट भी हो चुकी है डन एंड मॉक तो मैंने कब का दे दिया था, तो बचा था बस एंशिएंट की रिवीजन का। सो गाइस, अब होता है मेरे स्लॉट सारे ख़त्म
आई नो आप बोलेंगे कि मतलब एंशिएंट का तो करा ही नहीं तूने रिवीजन, तो वो मैंने एडिशनल में रखा था आपको, जैसा कि उसमें टू डू में भी दिख रहा होगा कि मैंने एडिशनल लिखा था उस पर। मुझे पता था कि एंड तक मैं वो नहीं कवर कर पाऊँगा कम्प्लीट। तो अब अपने दिन को करते ख़त्म एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप हसलिंग।